देश में रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। लोग साल भर इस त्यौहार का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस और डिजिटलाइजेशन के चलते त्यौहार का रंग फीका नजर आ रहा है। रक्षाबंधन के लिए सजी अधिकतर दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राहक घंटों इंतजार के बाद दुकानों पर आ रहे हैं। उधर दुकानदारों का दर्द भी सामने आया है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा फीका नजर आ रहा है। लोग राखी खरीदने के लिए दुकानों पर न आने की बजाय ऑनलाइन खरीदारी ही कर रहे हैं। साल भर के इस त्यौहार में दुकानदार रक्षाबंधन का इंतजार करते हैं, लेकिन अब ग्राहक न आने के चलते काफी परेशान हैं। महंगाई और कोरोना वायरस की मार ने राखी के दामों में भी इजाफा कर दिया है। इस बार की राखियों में बच्चों का खास ख्याल रखा गया है और कार्टून कैरेक्टर्स के नाम से कई राखियां बिक रही हैं, जैसे डोरेमोन, छोटा भीम, शिनचैन आदि। हालांकि बच्चों को कार्टून कैरेक्टर्स राखियां सबसे ज्यादा पसंद आ रही हैं। उधर ग्राहकों का कहना है कि जो राखियां पिछले साल 40 से 50 रुपए की थी, इस बार वो 70 से 80 रुपए में बिक रही हैं। दुकानदार बढ़ती महंगाई को इसका कारण बता रहे हैं। हालांकि खरीदारों का कहना है कि साल भर का त्यौहार है, ऐसे में महंगी राखी खरीदना उनकी मजबूरी है। यूं तो रक्षाबंधन पूरे दिन ही मनाया जाता है, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाए तो भाई बहन का स्नेह और बढ़ जाता है। इस बार पूर्णिमा 21 अगस्त की शाम से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन राखी बांधने का समय 22 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। कोरोना की वजह से राखियां बहुत महंगी तो ठीक है, लेकिन अच्छी नहीं आ रही है। बाकी बच्चों के लिए कुछ कुछ अच्छे आ रहे, जैसे डोरेमोन हो गए, स्पाइडरमैन हो गए, पिकाचू के हो गए, सब आ रही अच्छे अच्छे। अब त्यौहार है राखी का, तो सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, महंगी भी दुकानदार बता रहे थोड़ी राखी महंगी। हाँ, महंगी तो आ रही है इस बार। क्वालिटी जैसी क्वालिटी है वैसे है नहीं। लेकिन रक्षाबंधन के पर्व में बेहद कम समय का वक्त रह गया है, ऐसे में बाजारों में जो रौनक है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। कारण कोरोना महामारी और दूसरा कारण जो है वो महंगाई। आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविलाइंस में, और यहाँ पर से भी जो ग्राहक हैं वो नदारद हैं, या फिर कहें कि एक दो दुकानों में ज़रूर ग्राहक दिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। ग्राहकों का कहना है कि जो राखियाँ पिछले बार 40 से 50 रुपए की थी, वो इस बार 70 से 80 रुपए में बिक रही हैं, और नई राखियाँ हैं वो भी अभी मार्केट में नहीं आई है। तो उधर दुकानदारों का ये कहना है कि महंगाई बढ़ने के चलते और कोरोना के चलते राखियाँ नहीं आई हैं, जिसकी वजह से वो पुरानी राखियों को ही बेच रहे हैं, और जो नई राखियाँ आई हैं वो ज़्यादा दामों पर आई हुई हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ पर कार्टून की राखियाँ हैं, साथ ही साथ डोरेमोन के हैं, पोकेमोन हैं, हीमैन की राखियाँ हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आकर्षित करती हुई कई राखियाँ मौजूद हैं। फिलहाल राखी के पर्व पर या फिर अन्य पर्वों पर भी कोरोना महामारी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रौनक है वो प्रयागराज के मार्केट में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर माई भारत प्रयागराज।